नमस्कार। देखिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूपी से एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं। एएनएम जीएनएम दोनों के फॉर्म निकल चुके हैं यूपी से। दिल्ली के फॉर्म एएनएम के जा चुके हैं, जीएनएम के जब आएंगे तो मैं वीडियो डाल दूंगा। फ़िलहाल ये यूपी से एएनएम के फॉर्म हैं। एएनएम 2 ईयर्स का कोर्स है। टोटल सीट्स यानी जितने बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे वो 1800 हैं। टोटल 36 गवर्नमेंट कॉलेज या ट्रेनिंग सेंटर पे आपका एडमिशन होगा। 5-7 दिन पहले फॉर्म निकल चुके थे। 31 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी मोटे मोटे आपके पास 20-22 दिन हैं अब भी फॉर्म फिल करने के लिए। वीडियो के लिए मैं कुछ दिन लेट हूँ। ये नीचे साइट दी गई है, आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे भी फॉर्म फिल करवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपका फॉर्म फिल कर देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ये सुनना है ध्यान से। ये फॉर्म सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। मेल कैंडिडेट जीएनएम कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। पीछे मैंने वीडियो डाल दी है इससे पीछे। फीमेल कैंडिडेट 10+2 पास होनी चाहिए यूपी बोर्ड या उसके कोई इक्विवेलेंट बोर्ड हो। एटलीस्ट जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो आपके कम से कम 45% मार्क्स हों, और अगर आप एससी से हैं तो कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। आशा कार्यकारिणी या आशा संगिनी 20 फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो साइन किया गया हो, ये आपको याद रखना है। फीस टोटल जर्नल के लिए 200, बाकी एससी एसटी ओबीसी के लिए केवल 100 रुपये फिक्स है। 80% जो सीट है वो जो अप्लाई करेंगे नॉर्मल कैटेगरी से, जैसे 12th पास या इस तरीके से नॉर्मल करेंगे, 80% सीट उनके लिए है। 20% सीटें आशा कार्यकारिणी के लिए रखी गई है, यानी टोटल सीट अगर 1800 है, 1800 का 20% होगा 360 सीटें आशा वर्कर आशा कार्यकारिणी के लिए है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, 5 साल का सर्टिफिकेट है। लेकिन अगर प्रॉपर सीटें नहीं फिल कर पाती आशा कार्यकारिणी तो बची हुई सीटें भी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनको दे दी जाएगी। बाकी जो रिजर्वेशन है वो मिलता रहेगा, लेकिन कोई भी जो एप्लीकेंट है यूपी से बाहर होगा उसको किसी भी तरीका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई एससी है यूपी से बाहर है, यहाँ कर आपको जर्नल ही काउंट किया जाएगा। तो यूपी वालों के लिए सिर्फ रिजर्वेशन है, बाकी किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एज का जो क्राइटेरिया है वो 17 साल से 35 साल तक होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। आपका हाई स्कूल और जो 12th क्लास है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, फॉर्म फिल करवाना है कोई भी क्वेरी के लिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।